हेलो एवरीवन, हमारे शहर में छोटा सा फिशिंग शॉप खुला है, तो आज मैं वहाँ जा रही हूँ। खुले हुए उसे करीब 4 से 5 महीने हो गए हैं, पर यहाँ पे वो सारी चीज़ें मिल जाती हैं जो नॉर्मली हम लोग घर में यूज़ करते हैं, जो इंडियंस यूज़ करते हैं। सो चलिए देखते हैं। मैंने अंकल से परमिशन ले ली है कि मैं वीडियो बना सकती हूँ। तो ये शॉप बाहर से कुछ ऐसा दिखता है। इन्होंने अच्छा डिस्प्ले लगाया हुआ है, क्योंकि समझ में आ जाता है हम लोगों को भी कि हमारे मतलब की चीज़ें यहाँ हैं कि नहीं है। जैसे ये सामने जो है वो बेसन है, ये दालें हैं, चावल हैं, काफ़ी वैरायटी के इनके पास चावल होते हैं। चलिए मैं शॉप के अंदर जाती हूँ और आपको दिखाती हूँ। तो ये एंटर करने पे वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, एक्चुअली ये इंडियन शॉप है, सॉरी एशियन शॉप है। तो यहाँ पे अब जैसे ये देखिए, भिंडी, केले, पपीता, ज़्यादातर चीज़ें हमारे मतलब की यहाँ मिल जाती हैं। शक्करकंदी रखी हुई है, इवन अरवी वो सामने, ये तो इनके पास फ्रेश वेजिटेबल्स हैं। ये ड्रिंक्स हैं, नीचे बहुत बड़ा शॉप नहीं है, बट ज़रूरत की सारी चीज़ें यहाँ मिल ही जाती हैं। ये यहाँ पे अपने मतलब का सामान है, ये राजमा, छोले, ये कॉर्न है, मक्का जिसे हम लोग बोलते हैं। नीचे राइस है, राइस तो बहुत वैरायटी के होते हैं यहाँ पे। ये लोबिया जिसे हम लोग बनाते हैं, और ये दालें दूसरी तरीके की। ये अच्छी बात है कि इनके पास काफ़ी वैरायटी है दालों की भी, जितनी भी हम लोग यूज़ करते हैं वो सारी यहाँ मिल जाती हैं। ये इमली है, ये चावल डिफरेंट ब्रांड्स के हैं। यहाँ इन लोग ऑलिव्स बहुत पसंद करते हैं खाना, जो कि सिरके में पड़े हुए हैं। पास्ता वास्ता तो बाहर भी मिल जाते हैं, बट ये देखिए दालें, चना दाल, मूंग दाल, बेसन, ये आटा, जिसके लिए यहाँ पे काफ़ी बार काफ़ी दूर जाना पड़ता था। जब तक ये शॉप नहीं था हम बहुत दूर जाते थे इसे लेने, हम लोग का तो बिना आटे के चलता ही नहीं है। फिर ये ऊपर चाय की पत्ती रखी है, जिसके कि मैंने भी बॉक्सेस उठा लिए हैं। ये सब चीज़ें ज़्यादा एशियंस, अफ्रीकन्स भी जो आते हैं वो सब काफ़ी यूज़ करते हैं। ये मैदा है, शहद, ये वाला सेक्शन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये सारे मसाले हैं। ये मेथी, इवन कलौंजी तक है, और सौंफ,
हल्दी, धनिया, लाल मिर्च, ये जो ड्राई मसाले होते हैं वो भी मिल जाते हैं, ये लौंग है। और इस शॉप से एक्चुअली काफ़ी आराम हो गया है, घर के पास ही है तो जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो मिल ही जाती हैं। ये सब फ्रोज़न एक्चुअली मीट है तो ये तो अपने काम के नहीं हैं, वो तो यहाँ पे आपको सभी शॉप्स में मिलेंगे। ये मटर हैं फ्रोज़न, ये डिफरेंट तरह के मीट्स हैं, ये ड्राई फ्रूट्स हैं, ये बादाम, तो सब मिला के यहाँ आराम है। यहाँ से शॉपिंग करने के बाद ज़्यादा आपको इधर उधर जाना नहीं होता, ज़्यादा चीज़ें आपकी कवर हो ही जाती हैं। जैसे ये देखिए फ्रेश धनिया, इवन ये पुदीना, फ्रेश धनिया है, पुदीना है, हरी मिर्च है, ये पैक भी होती हैं। ये अफ्रीकन्स ये बड़ी मिर्चें ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो मेरी शॉपिंग तो हो चुकी है और अब मैं घर जा रही हूँ। आई होप तो आपको थोड़ा आइडिया हो गया होगा कि यहाँ पे छोटा शॉप है बट चीज़ें तो सारी मिल ही गई हैं यहाँ से, तो काफ़ी आराम है हम इंडियंस को। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ जानकारी मिली होगी कि यहाँ पे भी छोटे छोटे शॉप्स में चीज़ें मिल जाती हैं जो हमें चाहिए होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।